हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज एक नया ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा देसी ब्लॉग है, कोई मतलब सफ़र जो है ना या कोई शहर का ब्लॉग नहीं है, ये देसी ब्लॉग है। और यहाँ क्या क्या नहीं होते हैं देसी मतलब गांव घर में, देख रहे हैं। ये मक्का और यहाँ केतारी, तरबूज, खीरा, ककड़ी सब चीज़ होते हैं क्योंकि उपजाया जाता है जो कि किसान के द्वारा। और देख रहे हैं पीछे ऋषभ और उधर सुशांत, और हम आप लोग को काफ़ी कुछ दिखाते हैं इसी वीडियो में जो कि बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये देखते हैं ना, आप लोग लास्ट तक देखें, बहुत मजा आएगा। जो कि ऋषभ पीछे में, ऋषभ कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि ऋषभ को बहुत अच्छे लग रहे हैं। और भी कुछ बोलना चाहते हैं? और तो फिलहाल कुछ नहीं। अरे फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी इसका जो है ना नेचर का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है देसी ब्लॉग। हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए समाधि रे धीरे थालमा। हम लोग जो है काफी घनघोर जो होता है ना मक्का के बीच में आ चुके हैं, जो कि देख रहे हैं पूरे ये मक्का है। यहाँ इस मक्का के अंदर कुछ भी क्या बोला तूने? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सॉरी, मतलब ये मक्का है, मक्का ये खाए जाते हैं पका पका के आग में। और पीछे चिल्ला रहे हैं सब, देख रहे हैं उधर। सुशांत से भी कुछ बोलवा लेते हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं तो सुशांत बोल सकते हैं। यार इतना जंगल और इतना खेतीबाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा है, और यहाँ आकर ये सब दिख रहा है। ये इतना गन्ने के खेत मैंने देखा है पर कभी अंदर नहीं घुसा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही लग रहा है ये। और यहाँ पर कुछ किसी चीज़ की खेती हो रही है, भिंडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये भिंडी का खेती हो रहे हैं। और मतलब इतना ग्रीनरी के सामने बीच में रह करना बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये नेचर मतलब जो लगता है ना रियल नेचर का फील, ये सब में बहुत आप रियल। यहाँ आकर अपने आप को नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, कर सकते हो, प्यार हो सकता है, भूल जाइएगा किसी और को जब इस बीच आइएगा तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और समझ रहे हैं ये चीज, फील कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये नेचर से हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर। और अच्छा लग रहा है, एक सुकून वाले फील आ रही है जो कि आपको कहीं शहरों में नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। और ये जो है ये किसानों के द्वारा उपजाए जाते हैं, कोई शहर के एसी वाले से नहीं हो सकते हैं ये सब, क्योंकि ये शहर से कभी नहीं होंगे। ये किसान उपजाते हैं और वो मतलब बेचते हैं, सेलिंग करते हैं, तो वो शहर के लोग खाते हैं, लेकिन मेहनत तो किसानी करते हैं। देख रहे हैं, मतलब लगा बीच में पूरे आ चुके हैं, ये देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसी अजनबी थी आपसे कि हमसे ना कभी कोई आपसे, हम तो हो गए समाधि। तो अभी हम जो है हम लोग गांव का मजा उठा रहे हैं, जो भी सब साथ में है। हाय गाइस, अभी जो है हम लोग मक्का झपला लिए हैं, इसमें मक्का है, सब यहाँ चोर घूम रहा है मक्का झपलाने के लिए, देख रहे हैं सब। ये जो है ओरिजिनल चोर है जो साइड में जा रहा है मक्का झपलाने, तो सब चोर अभी पीछे में है, ओरिजिनल चोर तो देख रहे हैं आपको। और हम इसके बारे में कुछ से बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस चोर है, एक्सपर्ट है काफ़ी, मतलब काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस है इसके अंदर में, देख रहे हैं चोर। तो आप लोग देख रहे हैं कॉलेज के बगल में एक चाची रहती है, जो कि घर है छोटा छोटा, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट किए हैं तो जो कि मक्का पकाने के लिए। तो इसके बाद मक्का पकाएंगे, जो कि देख रहे हैं बगल में खाना बन रही है, तो वहीं पकाएंगे हम लोग। अंधेरा हो चुका है और अभी जो है यहाँ मक्का पका रहे हैं भुट्टा, जो कि अभी देख रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ राकेश बॉस जो कि मक्का पका रहे हैं भुट्टा को, जो कि एक चाची खाना बना रही थी, उससे रिक्वेस्ट किया तो बहुत अच्छी थी, मतलब बोली कि पका लो। तो हम लोग ने यहाँ मक्का पका रहे हैं, और देखिए भुट्टा पक गया है, जो कि अर्णव भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भुट्टा को, मक्का को पकाने में। सो देख ही रहे हैं, देखो मेरा हुआ, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, पूरे हो गया। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद आखिरकार भुट्टा मिल गया,
और भुट्टा सब पका के खा भी रहे हैं। राकेश अभी भुट्टा बनाया था, बहुत अच्छा भुट्टा बनाता है ये लड़का भी बहुत हेल्प कर गया उसमें। इधर मुंह दिखाओ यार, मुंह छुपाता है बताओ। और एक ऋषभ नाम का लड़का वहाँ पर काम किया जा रहा अभी, जो कि बहुत अच्छा लड़का है, सबका हेल्प करता है। कैसा बताओ? मेरा योगदान वीडियो है यार, ये सब के बारे में लिखेगा, हम लिखेंगे, बोलेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। टेस्टी कैसा है बताओ? बताओ टेस्ट, बताओ कैसा है टेस्ट, कैसा कैसा? बहुत अच्छा, मतलब क्या बताए, ज्यादा योगदान बॉस का है। नहीं, बॉस बहुत स्मार्ट है यार, वो ये सब में बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क में बहुत तेज है बॉस। हम लोग एग्जाम से देखते आ रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जिसको नेचर से प्यार है वो काफ़ी उसको अच्छे लगेंगे। और बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।